नमस्कार, मैं मीनू एमएस दिव्य दिशा में आपका बहुत ज्यादा हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए अमेरिकन डायमंड की ज्वेलरी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड में हमेशा रहती है। जैसा कि आप जानते हो कि डायमंड अपने आप में ही कुछ खास अपना स्थान रखता है, जो कि राजाओं महाराजाओं के समय से चलता चला आया है। तो ये कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता, हमेशा इसका ट्रेंड रहता है, लेकिन बस डिजाइन की लुक जो है जरूर चेंज होता रहता है। और कलर है, जैसे कि लोग सिल्वर टच करवा लेते हैं या गोल्डन, गोल्डन को जो है गोल्डन में है, प्लेटिनम में है या इस टाइप से, और गोल्ड में है, सिल्वर में है, ये अलग अपनी धातुएं हैं जिसमें हम वो वेयर करते हैं। और जिनको अपना कलर पसंद है, जैसे कोई गोल्ड में पसंद करता है, कोई सिल्वर में इसको पसंद करता है, तो वो अपनी च्वाइस है, लेकिन इसका फैशन कभी नहीं जाता है, ये हमेशा ट्रेंड में है। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा रही हूँ, ये देखिए कितनी खूबसूरत है, ये देखिए ये हार है, तो छोटा सा नेकलेस है, तो ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है। और आपकी कोई भी सोबर सी साड़ी के साथ में और सोबर लुक देगा ये, किसी भी पार्टी किसी भी ओकेजन में आप इसको वेयर कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लगेगा और क्लासी लगेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा। इसके साथ में इसके इयररिंग भी है, देखिए आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं, तो ये इयररिंग भी है, आप इसको वेयर कर सकती हो, बहुत ही सुंदर है। और इसमें इसके साथ में ये नेकलेस जो है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, और ये जो इसका इयररिंग के साथ में अगर पहनेंगे तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही क्लासी लग रहा है और बहुत ही सुंदर लुक लगेगा। ये देखिए इसके नीचे जो ये लटक रहा है छोटा सा, तो ये भी बहुत खूबसूरत लगेगा। आप इसको साड़ी है, सूट है, लॉन्ग सूट है, या फिर आप जो है गाउन है, किसी के साथ में वेयर करोगे, एकदम रानी टच लगेगा और बहुत ही ज्यादा सोवर एंड बेस्ट हार है ये। तो ये नेकलेस बहुत ही ज्यादा, और ये मैं आपको दिखा दूं कि दूसरा जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो हर ओकेजन पे पहनते हैं, मतलब कॉलेज गर्ल्स वगैरह लाइक करती हैं, ये देखिए छोटा सा है ये दिखा दूं, इसमें ये देखिए नग है, तो ये दिखा रही हूँ, ये देखिए नग है, बारीक बारीक नग है, बहुत ही बारीक नग है, और ये जो है इसका पेंडेंट है, और ये इसके ईयर कान के टॉप्स हैं, ये देखिए कान के टॉप्स भी है साथ में, और जो है ये पेंडेंट है और कान के टॉप से, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है पहनने पे। ये थोड़ा सा बाली वाला लुक है, ये देखिए अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना खूबसूरत है, ये ऐसे आएगा, तो ये बहुत सुंदर लगता है। ये कोई भी गर्ल जो है, कोई भी कॉलेज वाली गर्ल्स हैं, या फिर हल्का फुल्का अगर आपको कहीं जाना है, बाहर जाना है, और तो कहीं भी आप पहन के इसको वेयर करके जा सकते हो, थोड़ा सा बहुत ही स्मार्ट लुक देगा। और इसके साथ में मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए ये पेंडेंट है, और इसके साथ में ये गोल्डन चेन है, ये भी एक अपना अलग लुक देता है। तो ये जो है आप कहीं भी आप जा रहे हो, जैसे बाहर शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो ऊपर से आपने डाल लिया तो वो भी अपना अलग लुक देगा। ये साड़ी सूट्स में सभी चीज़ में पहना जा सकता है, लॉन्ग सूट्स में भी पहन सकते हैं। ये देखिए मैंने लाई हूँ ये ब्रेसलेट है, कि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ये देखिए ये ब्रेसलेट है, तो ये जो है आप भी किसी ओकेजन में डाल सकते हो, ये भी जो है बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारा लगने वाला है। तो ये जो है मैं आज पूरी आपके लिए ये डायमंड अमेरिकन डायमंड की ज्वेलरीज के जानकारी दे रही हूँ, कि ये देखिए ब्रोच, ये जो है हमारा सारी पिन है, ब्रोच है, तो ये भी कितना खूबसूरत है, जब ये वाला सेट पेन डालेंगे तो इसके साथ में ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा फैंसी लुक देगा। और ये आप किसी भी पार्टी में हैं, किसी भी जैसे कि आप जो है आजकल गाउन चल रहे हैं, और गर्ल्स की जो साड़ियाँ चल रही हैं स्टिच की हुई, उस पर भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप जो है किसी पार्टी में अगर जा रहे हो, तो आप साड़ी में भी ब्रोच लगा सकते हो, लॉन्ग सूट में है, गाउन में सामने फ्रंट में आप लगाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और ये इसका लुक देखिए कितना सुंदर है, कितना शाइन कर रहा है, बहुत ही शाइन कर रहा है, देखिए कितना शाइन कर रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। तो ये आपको हर ओकेजन पे इसको वेयर कर सकते हो, और ये जो है विशेष अपना अलग
आपकी ड्रेस भी अलग से चमकेगी और आप भी बहुत खूबसूरत लगने वाले हो इसको ब्रोच को वेयर करके। तो ये देखिए इसके साथ में ये कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए ना बहुत सुंदर लग रहा है। ये इसका जो नेकलेस है ये इसका एक अपना ही अलग का लुक है। और ये दिखा रही हूँ कि ये कान के मैं लाई हूँ गोल्ड में, ये देखिए ये इस टाइप के हैं, थोड़ी सी चांद बारी टच का है लुक। तो ये भी आजकल बहुत ट्रेंड में है, काफ़ी बहुत ज़्यादा है और काफ़ी ये आप किसी भी चाहे पार्टी में है किसी में, हाँ छोटे मोटे फंक्शन में भी आप वेयर कर सकते हो। आप जो है किसी के यहाँ आपके यहाँ मेहंदी रस्म है या किसी में है गोल्डन आपने चेन डाल ली और ये भी बहुत खूबसूरत लगेगा। और इसके साथ में मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए ये तो मैंने आपको दिखा दिया, ये देखिए कितना छोटा सा क्यूट सा पेंडेंट है। ये जो है कॉलेज का लिया कोई भी किसी को भी आप भी डाल सकते हो, साधारण सा आपने कोई जीन्स टॉप भी पहना हुआ है उसके ऊपर भी आप इसको वेयर कर सकते हो। और आप जो है एक नॉर्मल सूट जो होता है उस पे है वो भी डाल सकते हो। और ये कॉमन है, ये आप किसी भी ड्रेस के साथ में आप डाल सकते हो। और जैसे जीन्स के ऊपर लॉन्ग कुर्ती डालते हैं लोग, शॉर्ट कुर्तियां डालते हैं, उसमें भी ये अच्छा लगेगा। और दूसरा ये देखिए पेंडेंट है, ये कितना सुंदर है, ये थोड़ा गोल्डन टच में है। तो ये देखिए ये जो है लॉन्ग गाउन होता है वो उस पर आप भी लॉन्ग वाला है, ये देखिए लॉन्ग है तो इसमें आप गाउन के साथ में भी डाल सकते हो। और जो वो आपके जो लॉन्ग सूट्स हैं उसमें भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए ये झुमकियाँ लाई हूँ, ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तो ये भी आपको जो है किसी भी ओकेजन पे आप वेयर कर सकते हो, क्योंकि ये जो डायमंड का है, अमेरिकन डायमंड हो गया, जर्किन हो गया, इनका फैशन कभी भी नहीं जाता है, ये हमेशा रहता है। ये देखिए कान के साइड में जो ऊपर पहनते हैं ये भी है, ये भी बहुत सुंदर लगेगा। ये पार्टीज में ज़्यादा सुंदर लगता है क्योंकि जो है आप जो है इसको जब आप वेयर करोगे पूरा सेट पहनोगे, अगर कान में आप नहीं भी नीचे डालते हो तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। ये देखिए शाइन कर रहा है ना, कितना शाइन कर रहा है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये वेयर कर सकते हो। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए बिछिया है यानी टोरिंग है, ये कितनी खूबसूरत लग रही है। ये आप जो है ये जब डालेंगे पूरी सारे साड़ी और उसके साथ में सूट से है गाउन के साथ भी डालोगे बहुत अच्छा लगेगा पैर में। और ये इसके अगर पूरा आप जो है सेट तैयार करते हो उसके साथ में ये बहुत ही सुंदर लगने वाला है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए है ना शाइन कितना कर रहा है, देखिए पहले ये देखिए शाइन कर रहा है, कितना शाइन कर रहा है। तो आप ये भी बिछे के रूप में आप ये भी पहन सकते हो। अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये देखिए ये जो हो गया ब्रोच तो दिखा दिया आपको, ये आपके लिए हेयर बैंड है, आप ये किसी भी आप डेली में भी वेयर कर सकते हो। ये भी देखिए कितना शाइन कर रहा है, बहुत अच्छा लगता है ये, जब आप पूरी पार्टी में तैयार होंगे तो बहुत अलग से दिखेंगे। और ये देखिए आप साइड पिन है, जैसे कि आपने कोई वेयर किया है कुछ भी ऐसा गाउन है कुछ है तो साइड्स में आप क्लिप लगा सकते हो तो उसका भी आपके लुक बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। और ये जो है मैं लाई हूँ ये जुड़े के साथ में या हमने पफ बनाया हुआ है तो उसमें हम ये डायमंड के या फिर हम ऐसे जरकन के या कुछ भी है अगर नक्का है स्टोन है कोई वाइट चमकने वाला आपका शाइन करने वाला ये आप अगर आप दो चार लगा लेंगे तो आपका जो गेटअप है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। आप अलग से बिल्कुल खिलके लगेगी, बिल्कुल अलग यूनिक लगेगा आपका जो ड्रेसअप है पूरा। ये आपके जब हेयर्स आप इस हेयर स्टाइल करेंगे तो ये आप जरूर लगाना। आप पफ अगर जुड़ा बनाते हैं, पफ आप बाल स्टाइल करते हैं या फिर आपकी चोटी है फ्रेंच नॉट, मतलब जो भी है अगर इसके ऊपर आप ये करेंगे तो ये देखिए मैंने आपके दिखाने के लिए रखे भी हैं, ये देखिए चार चार ले रखे हैं, ये देखिए तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। दूसरा मैं बताने जा रही हूँ अब आपके लिए चूड़ियाँ लेके, कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हैं देखिए, ये देखिए ये भी हैं दो तरह से हैं डिज़ाइन में,
ये देखिए गोल्डन टच में है और एक जो है सिल्वर टच में है। तो आपको जैसे सिल्वर टच का कोई भी आपने पूरी ज्वेलरी पहनी है तो आप सिल्वर टच में ये जो है आप बैंगल्स डाल सकते हो, और आपने गोल्डन गोल्डन कलर का कुछ पहना हुआ है तो गोल्डन कलर की आप डाल सकते हो। और इसके साथ में आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए ये कड़ा भी है जो ये एक सिंगल है, तो आप खाली अगर आपको सिंगल डालना है तो सिंगल भी डाल सकते हैं आपको, ये देखिए। तो आपको जरूरी नहीं है आप बैंगल्स पहनो, आप इसको सिंगल डालेंगे तब भी बहुत सुंदर लगने वाला है, या आप साड़ी है, सूट है, गाउन है, लॉन्ग सूट है, या किसी पे भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा। ये देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट गोल्डन टच है, ये डल कलर का है तो इसमें भी स्टोन है, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ सारे ट्रेंड में है, कोई भी ट्रेंड इसका गया नहीं है, और बस अपने ऊपर है कि हम उसको स्टाइल से कैसे पहनते हैं, किस तरह की साड़ी पे पहन रहे हैं, क्या चीज हम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो है आपकी क्या च्वाइस है, कैसे कलर के आप कपड़े डाल रहे हो, इसके ऊपर मेन जरूर वो होता है कि अगर आपने ये जैसे ये सेट पहना है तो इसके ऊपर आपने साड़ी किस कलर की पहनी है, क्या चीज पहनी है, मेन चीज इम्पॉर्टेंट ये होती है। क्योंकि अगर हमने इस इतने खूबसूरत सेट के साथ में अगर हमने कोई बेकार सी कलर चूज कर लिया है तो उस पे वो उतना खूबसूरत नहीं लगेगा। और अगर आपने इसी के सेट के अकॉर्डिंग आपने साड़ी का कलर चूज किया है और आपने जो है वही ड्रेस यूज की है, कौन सा कलर यूज किया है, उससे आपका गेटअप और ज्यादा निखर के आ जाएगा और ज्यादा खूबसूरत लगेगा। तो ये जो है मेरा ये ज्वेलरी, ये डायमंड, अमेरिकन डायमंड, जर्किन और स्टोन्स के बारे में मैंने जानकारी दी। तो ये आपको मेरी जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, इतना मैंने आपका टाइम लिया उसके लिए सॉरी, और मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपको दिखाती रहूँगी। और इसी के साथ में बाय, गुड डे।